सोशल मीडिया पे आज तस्वीरें वायरल हो रही हैं महबूबा मुफ्ती की, जहां वो पुंछ में शिवलिंग पर जल अर्पित कर रही हैं। संत समाज इसको लेकर अपनी बात रख रहा है। दिनेश भारती जी हैं, मुझे ये बताइए कि महबूबा मुफ्ती की जल चढ़ाती हुई तस्वीरें आज हर कहीं जो हैं वो दिख रही हैं सोशल मीडिया पे, एक किस्म से सैलाब सा आ गया उसका। चुनाव कहीं ना कहीं जिस तरह से कभी भी घोषित हो सकते हैं सब लोग कह रहे हैं, उस वजह से ये हिंदू प्रेम जो है महबूबा मुफ्ती दिखा रही हैं, आपका क्या कहना है? 2005 से बजरंग दल बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करता आ रहा है। हमारी समस्त विश्व हिंदू परिषद की इकाइयां, बजरंग दल हिंदू जागरण में निरंतर प्रयासरत है, या रजौरी का क्षेत्र है चाहे वहां पे पुंछ का है। और जिस प्रकार आप सब लोगों ने देखा, भारतवर्ष ने ही नहीं पूरे विश्व ने देखा कि अलगाववाद को पोषण करने वाले लोग जिस प्रकार भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, वो लोग जिन्होंने अमरनाथ जी की जमीन छीन ली 2008 में, जिन लोगों ने अलगाववाद का पोषण किया, राष्ट्रवाद को पैर की जूतियों के नीचे रौंदा, जिन्होंने भारतीय सेना को अपमानित किया, वो लोग आज भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि हिंदू शक्ति जागरण और हिंदू शक्ति जागरण के आगे ये सब लोग नतमस्तक हो गए हैं, तो ये राष्ट्रवाद प्रचंडवाद की जीत है। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, ये वो जो नारा है वो सामने सार्थक होता, आप सब लोगों ने देखा है। जय श्री राम। संत समाज की एक ये मांग है कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, तो इस तरह की तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं उसी ओर आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाती है। देखिए, हिमालय का नाम मेरे पुरखों ने दिया है, संस्कृत का दिया गया नाम है, सह्याद्री संस्कृत का दिया गया नाम है, मानसरोवर संस्कृत का दिया गया नाम है। तो हम हिंदू राष्ट्र ही नहीं अखंड भारत की तरफ बढ़ चले हैं जी। धन्यवाद। तो यहाँ पर दिनेश भारती जी हैं, वो कह रहे हैं साफ तौर पे कि जिस तरह के महबूबा मुफ्ती की तस्वीरें पुंछ में शिवलिंग में जल अर्पण करती हुई दिख रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भारत किस तरह से बदल रहा है और हिंदू राष्ट्र जो भारत अखंड भारत को बनाने की जो मांग है वो उठ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये एक पूरा आगे रास्ता है। और तस्वीरें ये बयां भी करती हैं कि किस तरह से भगवान शिव का अभिषेक करके महबूबा मुफ्ती भी अब कहीं ना कहीं वो अपने पहले के जो निर्णय थे कहीं ना कहीं उस पर जो है अपना स्पष्टीकरण देती हुई जहां पर वो जल शिवलिंग पे चढ़ाती हुई नजर आ रही है।